उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पानी फेरने का सबसे बड़ा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ना केवल बीजेपी का 400 का सपना टूटता दिखा, बल्कि सरकार बनने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। जाहिर है कि यूपी में मिल रही सफलता का बहुत बड़ा श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में लाभ होता दिख रहा है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम खराब होने का बड़ा कारण क्या रहा है। गांव के लोगों के लिए जो बात सभी जातियों के लिए समान है, वह है सरकारी नौकरियों की तैयारी। चाहे ऊंची जाति का घर हो या पिछड़ी या अनुसूचित जाति के परिवार हो, सभी घरों में सरकारी नौकरियों की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर युवाओं ने पहली बार बीजेपी को इसलिए ही वोट दिया था। पर बीजेपी की दूसरी सरकार आते आते परीक्षा माफिया एक बार फिर सरकार पर भारी पड़ने लगा। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय राज्य में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। भर्ती पेपर में गड़बड़ी और धांधली को लेकर अक्सर ही उत्तर प्रदेश में युवा सड़कों पर संघर्ष करते नजर आते हैं, तो वहीं भर्तियों का लंबा इंतजार भी वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष का प्रमुख कारण है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित करीब दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक के चलते कैंसल हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को यूपी का व्यापम घोटाला भी कहा जाता है। युवा परेशान है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने पिछले साल प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं से जुड़े प्रश्न पत्र को लीक होने से रोकने और पेपर सॉल्विंग गैंग पर लगाम लगाने के लिए एक कानून तैयार किया था। इस प्रस्तावित कानून में 14 साल जेल और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, पर कानून बनने से जनता की समस्या का हल नहीं होता है। यही कारण रहा कि यूथ का वोट बीजेपी को नहीं मिला है।